टुडे वी वांट टू टॉक अबाउट द ऑस्ट्रेलियन वीजा प्रोसेस. ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स बहुत सारे चेंजेस आए हैं. देयर आर फोर कोर स्टेप्स: कंडीशनल ऑफर, अनकंडीशनल ऑफर, ईसीओई. फ्रॉम ईसीओई यू हैव टू गेट योर वीजा. यस. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल. एंड हम लेके आए हैं आपके लिए ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. इसको हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट टू पार्ट्स कवर करते हैं योर जर्नी फ्रॉम एप्लीकेशन टू ईसीओई. पार्ट थ्री में हम लोग कवर करेंगे योर इंटायर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, आपको किस तरीके से फाइनेंशियल शो करने हैं अपने वीजा के अंदर. पार्ट फोर में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑल द वीजा डॉक्यूमेंटेशन एंड द वीजा फाइलिंग प्रोसेस. एंड इन दीज फोर पार्ट्स हम लोग एंड टू एंड प्रोसेस फ्रॉम एप्लीकेशन टू वीजा को कवर कर लेंगे. Hi Manish, kya hal hai yaar? Badhiya sir. Today we want to talk about the Australian visa process. Over the last few years, bahut sare changes aaye hain. What is the overall process of Australia? So if I'm talking about Australia student visa, so ye journey start hoti hai aapke offer se. So pehla process hai aapko apply karna Australian universities mein, jo ki divided hai group of 8, ATNs and other leading universities. Offer apply karne ke baad normal you will get the condition offer letter. Kuch condition listed hoti hai, us pe wo hume clear karni hoti hai. Condition clear karne ke baad aapko unconditional offer letter mil jayega. Unconditional mein aapko mention hoega ki how you have to accept the offer aur kis tarike se aapko paise pay karne, bahut easy way mein mention hota hai. वो आप करोगे देन योर एजेंट विल गेट यू द ईसीओई, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, राइट, जो कि रिक्वायर्ड होता है वीजा फाइलिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ इनिशियल डिटेल्स होते हैं लाइक सीओई नंबर, वो आपका I-20 या कैश अगर बात करें जो डिफरेंट कंट्रीज के डॉक्यूमेंट से उसके कंपेरेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट वो आता है. फिर आपका वीजा जर्नी स्टार्ट होता है अंडर सब क्लास 500. सो बेसिकली देयर आर फोर कोर स्टेप्स. वन इज गेटिंग योर कंडीशनल ऑफर, यस, व्हिच यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू एन अनकंडीशनल ऑफर. From an unconditional offer, you have to get your ECOE. And from ECOE, you have to file your visa and get your visa. Yes. So, मान के चलते हैं, now भाई मेरे पास मेरी dream university से मेरा conditional offer आ गया है. What are some of the conditions that are there on that conditional offer letter? So, upon getting a condition, so there would be four conditions listed on offer. अगर हम पहले की बात करें, so initially जो हम document भेजते हैं offer letter मंगवाने के लिए, अगर उसमें कुछ भी miss out किया, SOP, any pending document, और for some reason बच्चा last year of 12th, like 12th में है, अभी 12th की marksheet नहीं है, yes, या final year of university में है, तो वो कुछ documents हो सकते हैं जो मांगे दोबारा जाए. दूसरा आपका हो गया, हर यूनिवर्सिटीज के कुछ SSVF फॉर्म होते हैं, दैट इज सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क, SSVF, यस, एंड GSR फॉर्म. सो ये फॉर्म होते हैं, हर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अलग फॉर्मेट होते हैं, बट इस फॉर्म का एजेंडा एक ही होता है, टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट. जेन्युइन स्टूडेंट जो उनका नया GS प्रोसेस आया, दैट इज जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट. सो वेर यू हैव टू टेल अबाउट योरसेल्फ दैट व्हाई आर यू कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, क्यों ये पढ़ना है आपको कोर्स, व्हाई नॉट इंडिया, करियर आउटकम एंड अदर. तीसरा हो गया हमारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट. So, ऐसा करते हैं यार, why don't we go into certain examples? Start करते हैं with an example of a conditional offer, an example of an unconditional offer, yes, SSVF forms, yes, financial matrix, yes. I have an offer letter from Deakin University. So, ये बच्चा Deakin University जा रहा है for the program of Bachelor of Information Technology. Right. So, आपका course, campus intake, Crico's code, आपका Crico's code is very important, right? Very important because वो course को reflect करता है कि आपका course listed है या नहीं है. Right. So, that is very important. आपका academic year full कितने साल का course है? बच्चे को पहला बोला गया कि ही हैव टू सबमिट 12th ईयर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट, 12th ईयर में फाइनल ईयर में होगा, तो जिस बच्चे को ऑफर है ये बच्चे को अभी मिलना है, सो वो हमने सबमिट करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वुड बी अ आईएलएस रिक्वायरमेंट, क्योंकि बच्चे ने आईएलएस अभी अपीयर कर रहा है बट बच्चे ने सबमिट किया, सबमिट नहीं किया होगा, तो उन्होंने बताया है कि बच्चे का आईएलएस कितना होना चाहिए ओवरऑल, right. ओवरऑल 6 होना चाहिए एंड नो मोर लेस देन 6, व्हिच इज मेंशन ऑन योर ऑफर लेटर इटसेल्फ, जो कि नए रेगुलेशन के हिसाब से मिनिमम 6 बैंड इज रिक्वायर्ड फॉर योर वीजा आल्सो, यस, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन जंप ऑन टू द थर्ड requirement, that would be your, if this offer is conditioned upon a successful GS assessment, means you have to give a certain answer of those questions. Right. So upon submitting all the conditions document, they will issue the unconditional offer letter. Right. And this student have received a scholarship of 25% as well. So is unconditional ke andar humare ko scholarship ki bhi information aa gayi hai, and all the conditions that were there are now removed, which basically means this is an unconditional offer letter. If I am going down, so they will also giving me option that what
amount required to pay to accept this offer, and also in this form itself they have mentioned how I can accept this offer. So this is very crucial point. So upon accepting, they will issue the COE, that is your confirmation of enrollment. So where they will gonna mention each and every detail, like the university name, how much amount you have paid, what will be your course starting date, end date, your OHSE. So right. OHSE would be your overseas student health cover. So this is a medical, this is a medical cover, medical insurance, so that will be required. So they will gonna mention each and everything. So on COE, they have on top they will gonna mention the COE number. So that is very important number, because when we are filing visa, so this number will be requiring. Basically a conditional offer tha. Yes. Uske baad humne jo sare documents submit kare, uske andar aapne bataya tha ki hamare ko SSVF form dena hai. Yes. Can you give us an example of SSVF form jo different sure. universities mangti hain? So we have the format. So University of Melbourne, that's coming under a group of 8 university. Right. Full form of SSVF is Simplified Student Visa Framework. Yes, see, this is a declaration ki yaar main genuine student hoon and main aapke yahan padhai karne aana chahta hoon. Yeah. And there are certain questions. So can you show me more examples? So yeah, I have one more SSVF format, that is for Monash University. This university also come under group of 8. Right. So where you have to give your declaration that you have understood and you have read all the conditions. So basically jo group of 8 universities hai unke andar it's more like a checklist. Yes. And a simple small form, single page ka form. Yes, yes it is. What it would be like, let's say for RMIT. So if for RMIT, yeah. So for RMIT, they have a very lengthy form. Similar to your SOP points, jo ki hum SOP mein likhte hain ki, that I have to tell about myself, about my family background. Right. I have education, applied. Employment, yes, and what, you know, any study gaps that are, yes, there. That we have to mention this. And then you have to tell us about your, why RMIT, yes. That is very important thing. Basically, humne kya kara, humare paas conditional offer tha, humne apna SSVF form and remaining conditions ke jo documents hai, yes, wo submit kiye. To hum को अनकंडीशनल ऑफर आ गया। अब इसके बाद में व्हाट डज द प्रोसेस बिकम? सो दोस्तों, वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।